श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे श्री गणेश जी की गुप्त बातें और रोचक बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं। और ये मैंने बहुत जगह से कलेक्शन किया, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इसको यूट्यूब पर डालूं तो ये ज्ञान आप तक पहुंचने वाला है। भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता, मंगल मूर्ति, लंबोदर, वक्रतुंड आदि विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। जितने विचित्र इनके नाम हैं उतनी विचित्र इनसे जुड़ी कथाएं भी हैं। अनेक धर्म ग्रंथों में भगवान श्री गणेश की कथाओं का वर्णन मिलता है। इन कथाओं में भगवान श्री गणेश से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको श्री गणेश से जुड़ी कुछ ऐसी गुप्त और रोचक बातें बताने जा रहे हैं जो शायद आपने नहीं सुनी होगी, और सुनी भी होगी पर टुकड़े टुकड़े में सुनी होगी। हम सबको आपको एक साथ ही बता रहे हैं। शिव महापुराण के अनुसार माता पार्वती को श्री गणेश का निर्माण करने का विचार उनकी सखियां जया और विजया ने दिया था। जया विजया ने पार्वती से कहा कि नंदी यानी सब जो गण हैं वो महादेव की आज्ञा का पालन करते हैं, अतः आपको भी एक गण की रचना करनी चाहिए जो सिर्फ आपकी आज्ञा का पालन करें। इस प्रकार विचार आने पर माता पार्वती ने श्री गणेश की रचना अपने शरीर के मैल से की। अभी शिव पुराण के अनुसार श्री गणेश के शरीर का रंग लाल और हरा है। श्री गणेश को जो दुर्वा चढ़ाई जाती है वह जड़ रहित 12 अंगुल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। आजकल 12 अंगुल लंबी तो कहने ही मिलेगी। ऐसे 101 या 121 दुर्वा श्री गणेश की पूजा करना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुण्यक नामक व्रत भी किया था। उसके बाद ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जब सभी देवता श्री गणेश को आशीर्वाद दे रहे थे तब शनि देव सिर नीचे किए हुए खड़े थे। पार्वती द्वारा पूछने पर शनि देव ने कहा कि मेरे द्वारा देखने पर आपके पुत्र का अहित हो सकता है, लेकिन जब माता पार्वती के कहने पर शनि देव ने बालक को देखा तो उसका सिर धड़ से अलग हो गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जब शनि द्वारा देखे जाने पर माता पार्वती के पुत्र का मस्तक कट गया तो भगवान श्री हरि गरुड़ पर सवार होकर उत्तर दिशा की ओर गए और पुष्प भद्रा नदी के तट पर हथनी के साथ सो रहे एक गज बालक का सर काट कर ले आए। उस गज बालक का सिर श्री हरि ने माता पार्वती के मस्तक विहीन पुत्र के धड़ पर रखकर उसे पुनः जीवित कर दिया। फिर ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार किसी कारणवश भगवान शिव ने क्रोध में आकर सूर्य पर त्रिशूल से प्रहार किया। इस प्रहार से सूर्यदेव चेतनाहीन हो गए। सूर्यदेव के पिता कश्यप ने जब यह देखा तो उन्होंने क्रोध में आकर शिव जी को श्राप दिया कि जिस प्रकार आज तुम्हारे त्रिशूल से मेरे पुत्र का शरीर नष्ट हुआ है उसी प्रकार तुम्हारे पुत्र का मस्तक भी कट जाएगा। इसी श्राप के फलस्वरूप भगवान श्री गणेश के मस्तक कटने की घटना हुई। ये दूसरी जो कहानी है मस्तक कटने की। फिर ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार तुलसी देवी जिनके हम पूजा करते हैं, तुलसी देवी गंगा तट से गुजर रही थी। उस समय श्री गणेश भी तप कर रहे थे। श्री गणेश को देखकर तुलसी का मन उनकी ओर आकर्षित हो गया। तब तुलसी ने श्री गणेश से कहा कि आप मेरे स्वामी हो जाइए, लेकिन श्री गणेश ने विवाह करने से इनकार कर दिया। क्रोध व तुलसी ने श्री गणेश को विवाह करने का श्राप दे दिया कि आपके 2 विवाह होंगे, और श्री गणेश ने तुलसी को वृक्ष बनने का श्राप दे दिया। शिव महापुराण के अनुसार श्री गणेश का विवाह प्रजापति विश्वरूप की पुत्रियां सिद्धि और बुद्धि से हुआ। लोग रिद्धि और सिद्धि भी कहते हैं। और श्री गणेश के 2 पुत्र हुए जिनके नाम थे क्षेत्र तथा लाभ, कुछ लोग शुभ और लाभ कहते हैं। शिव महापुराण के अनुसार जब भगवान शिव त्रिपुर का नाश करने जा रहे थे तब आकाशवाणी हुई कि जब तक आप श्री गणेश की पूजन नहीं करेंगे तब तक तीनों पुरों का सहार नहीं कर सकेंगे। तब भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाकर गजानन का पूजन किया और युद्ध में विजय प्राप्त की। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार परशुराम जब भगवान शिव के दर्शन करने कैलाश पहुंचे तो भगवान ध्यान में थे, तब श्री गणेश ने परशुराम जी को भगवान शिव से मिलने नहीं दिया। इस बात से क्रोधित होकर परशुराम जी ने फरसे से ही गणेश पर वार कर दिया। वो फरसा भी शंकर भगवान ने उनको दिया था, अब वो फरसा स्वयं भगवान शिव ने परशुराम को दिया था तो वार कैसे खाली होगा। तो श्री गणेश उस फरसे का वार खाली नहीं होने देना चाहते थे।
इसलिए उन्होंने उस फरसे का वार अपने दांत पर छेद दिया, जिसके कारण उनका एक दांत टूट गया। तभी से उन्हें एक दंत भी कहा जाता है। फिर महाभारत का लेखन श्री गणेश ने किया, ये बात तो सभी जानते हैं। लेकिन महाभारत लिखने से पहले उन्होंने महर्षि वेद व्यास के सामने एक शर्त रखी थी, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। शर्त इस प्रकार थी कि श्री गणेश ने महर्षि वेद व्यास से कहा था कि लिखते समय मेरी लेखनी क्षण भर के लिए भी न रुके तो मैं इस ग्रंथ का लेखक बन सकता हूं। मतलब आप लगातार जितने भी श्लोक आप लगातार बोलोगे मैं लिखता चला जाऊंगा, रुकना नहीं है। तब महर्षि वेद व्यास जी ने शर्त मान ली और श्री गणेश के सामने भी उन्होंने कहा, एक शर्त रख दी कि मैं जो भी बोलूं आप उसे बिना समझे मत लिखना। तब वेद व्यास जी बीच बीच में कुछ ऐसे श्लोक बोलते थे उन्हें समझने में श्री गणेश को थोड़ा समय लगता था। इस बीच महर्षि वेद व्यास अन्य काम कर लेते थे। गणेश पुराण के अनुसार छंद शास्त्र में 8 गण होते हैं, मगन, नगन, भगन, यगन, छगन, रमन, सगन, तगन। इनके अधिष्ठता देवता होने के कारण भी इन्हें गणेश की संज्ञा दी गई। अक्षरों को गण भी कहा जाता है। इनके ईश होने के कारण इन्हें गणेश कहा जाता है, इसलिए विद्या बुद्धि के दाता भी कहे गए हैं। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।